अच्छा हाँ तो फिर आमिर इवन दिया राहुल के लिए Faisal. Hi Faisal. Arjun Mohan from Radio Asha. Please, we'll take a small video back. I want to congratulate entire team of QSQT for completing 30 years. और उम्मीद करते हैं कि जिंदा रहे तो 50वां साल भी मनाएंगे. And whatever I am today, it's because of कयामत से कयामत तक. So thanks to नासिर साहब, मंसूर साहब, आमिर साहब, आनंद मिलन जी, मजरूर सुल्तानपुरी साहब एंड अगेन इंटायर टीम ऑफ कयामत से कयामत तक. पहले आप शेयर करिए भाई. हम तो पहले असिस्टेंट बने थे पिक्चर में एंड इट वॉज माई फर्स्ट फिल्म एज एन एडी और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया एंड दे गेव मी ऑल द एक्सपीरियंस फॉर द फिल्म. आई वॉज वेरी एक्साइटेड. इट वॉज माई फर्स्ट फिल्म एज असिस्टेंट डायरेक्टर एंड इट वॉज फर्स्ट फिल्म ऑफ माई ब्रदर आमिर खान. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. मंसूर वॉज फर्स्ट मंसूर फर्स्ट फिल्म तो बहुत एक्साइटमेंट था और फिल्म बाद में बहुत हिट हुई तो बहुत मज़ा आया और अभी तक चल. It was my first film with, and I'm very grateful and thankful to Nasir Uncle, Mansoor, Amir, कि ये इतनी अच्छी फिल्म मिली और बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला मुझे. फैसल, अर्जुन भाई एंड जूही वगैरह एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बहुत मज़ा आया एंड आई होप दे मेक द पार्ट टू विद अस अगेन. Very honest, I started my career when Nazir Saab ने पहली फिल्म मुझे दी थी मंजिल मंजिल और उस टाइम के अंदर एक रेपिटेशन हो गया था कि मंजिल मंजिल के बाद ज़बरदस्त और ज़बरदस्त के बाद कयामत से कयामत जब बन रही थी तो मैं किसी और की शूटिंग कर रहा था. आई गॉट अ कॉल यू हैव टू कम हियर बिकॉज इट वॉज मंसूर वॉज वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड. उसका पहला डायरेक्टर ये था तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए यहाँ और अगर आपने वो फिल्म देखा होगा तो ये पूरी कयामत शुरू होती है मेरे वजह से. सो वो मेमोरी मुझे आज तक याद है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नाज़ साहब एंड टू मंसूर एंड द एंटायर टीम ऑफ कयामत से कयामत हु आर रियली वेरी नाइस टू मी. थैंक यू सो वेरी मच. एंड आई ऑल्सो गॉट टू प्ले अ स्मॉल पार्ट इन द फिल्म. आई वाज असिस्टेंट डायरेक्टर बट वन डे मंसूर गॉट अप एंड ही कुडंट फाइंड एन एक्टर. So he put me in one of the goons role. That also I played. But you don't role. Look like a goon. He looks like a blue lagoon. not for Kayamat se kar raha, but he was assistant to my dad's film. Okay. So and he was a very good agent. Okay. So I think at least two pictures of today he was the assistant and he was very thorough about the job. Uske dimag mein to tha ki he wanted to act. Right. Lekin he had not told anyone. So we are looking forward to Raj and Rashmi and the
बताऊंगा. I still remember, you remember. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay, thank you. हाँ बोली. मुझे एक बहुत ही ऐसे कई है पर एक याद आता है कि जब मैं ऑफिस गया था तो मंसूर ने तो डन कर दिया, फिर नासिर साहब ने बुलाया और तब मुझसे पूछा था, बड़ा देशपांडे हो, हिंदी तो बोल लोगे ना. तब मैंने कहा था एक्टर हूँ, कौन सी भाषा. और तब बाहर निकला तो आमिर दिखा मुझे. मैंने कहा आमिर तू क्या कर रहा है यहाँ, मुझे पता नहीं था. तो उसने कहा मैं हीरो हूँ. तब मैं हंसा था और देखो अब यहाँ पर खड़ा हूँ. वो कहाँ है, बिकॉज वी डिडंट नो. तभी वो हम लोग एक ही कॉलेज के थे, तब वो बैक स्टेज करता था. सो फॉर हिम टू नो नाउ, तो तब मुझे पता नहीं था कि वो हीरो है इस फिल्म का. सो इट वॉज वन ऑफ दोज, अगर आमिर होता तो और मज़ा आता. रोल के लिए किया गया, ये RGV की फिल्म थी राम गोपाल वर्मा, उसके लिए किया. और अपनी मूछ है तो उसकी बना के भी रखी है. हाँ माय गॉड, प्लीज सर की बात सारी अलग अलग लगे. आई थिंक उसके बारे में हाँ 30 साल हो गए हैं हमारी पहली फिल्म को क़यामत से क़यामत तक को. और ऐसे लगता नहीं कि 30 साल गुजर गए, ऐसे लगता है कि कल की बात थी. तो आज बड़ा खुशी का दिन है हम सब के लिए. हम लोग सब एक बार फिर बहुत सालों बाद मिल रहे हैं और बहुत सालों बाद मैं दोबारा इस फिल्म को देखूंगा जो मेरी पहली फिल्म रही है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरी वन, द कास्ट एंड द क्रू एंड
पुरानी यादें यादें जो हैं वो हम लोग ताज़ा करेंगे आज। शूट के पल तो बहुत हैं। मुझे याद है जब हम लोग क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे तो क्लाइमैक्स के मतलब एकदम आखिर में जब जूही को गोली लगती है तो मैं दौड़ के उनके पास जाता हूँ और वो दम तोड़ रही हैं और वो शॉट ये था कि मुझे रोना है और उनका नाम फिल्म में रश्मि था तो रश्मि रश्मि करके मुझे रोना है और फिर उसके बाद मैं अपने आप को चूरा मार देता हूँ। तो जैसे ही शॉट रेडी हुआ और टेक हुआ तो मैं एकदम मूड में आया, मंसूर ने एक्शन बोला, मैं दौड़ते हुए गया, जूही को मैंने उठाया बाहों में और रश्मि रश्मि बोल के जो रोना था उसके जगह पे मैंने जूही जूही बोल के मैं रोने लगा। अच्छा मैं एकदम मूड में जूही जूही करके मैं रो रहा हूँ और मंसूर ने बोला कट कट कट, तो मैं सोच रहा हूँ कट क्यों किया यार, इतना अच्छा जा रहा था शॉट। तो मंसूर ने कहा यार तुम जूही बोल रहे हो, उसका नाम रश्मि है। तो या कॉल दो, दो मिनट में कास्ट क्रू फोटो कर लेते हैं। पीटर चलो भाई, अमर खान साहब क्या हाल है आपके? क्या हाल है? अरे भाई अभी बीच में 50 लोग थोड़े आ सकते हैं। चेंजेस मेरे में जो चेंजेस है वो आप मुझे बताइए, मेरे चेंजेस मुझे नज़र नहीं आते हैं। बट इट्स अ वेरी एक्साइटिंग डे फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग ये फिल्म दोबारा देखें। मुझे तो 30 साल हो गए, आई हैव नॉट सीन इट फॉर 30 इयर्स। 25 वी सॉ इट, वी सॉ इट वेयर? वी सॉ इट सेलिब्रेटेड द 25th। आई वाज देयर, या ऑफ कोर्स। ओह आई फॉरगॉट कंप्लीटली। मामी 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 ओनली कास्ट। ओह एंड देन वी हैड अ पार्टी। राइट। वेल थैंक यू। कयामत से कयामत तक नाम, एक्चुअली कोई भी नाम पसंद नहीं आ रहा था और हम लोगों ने बहुत बोरिंग नाम रखे थे जो डायलॉग में भी है, नफरत के वारिस और ये वो, यू नो, बहुत लिटरल। एक्चुअली माय फादर वाज वेरी गुड एट नेम्स, तो उन्होंने एक शाम को ऐसे ही उन्होंने सोचा कि इट इज़ समथिंग, जो कहानी जो है वो एक कयामत से शुरू होती है, यू नो, वन बैड इंसिडेंट एंड लीड्स टू अनदर। कयामत से उन्होंने ऐसे ही ये नाम बोला, ही मेड इट अप ऑब्वियसली, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है। आमिर, आप अपनी फिल्म के लिए शुरू से ही मतलब काफी भावुक का प्रयास करते हैं, इस फिल्म के भी प्रमोशन आपने खुद ने किए थे जी, पोस्टर्स लगाए थे मेरे ख्याल जी। मैं और जुटी और हम लोग सब सड़कों पे घूमते थे पोस्टर लगाने के लिए, दीवारों पे, टैक्सीज पे, ऑटोज पे। तो कई ऑटो वाले जो है हमारे, उन्होंने फ्री में पोस्टर्स लगाए यहाँ पे, वो आज मौजूद हैं। हमारे टैक्सीज और ऑटोज पे हमारे फ्री फोटोज़ लगाए थे। तो आज जब हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे थे तो मुझे याद आया था हमने उनको भी बुलाया। अमिताभ बच्चन जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपने रिसेंटली काफ़ी अच्छी वो उनकी फिल्म रिलीज हुई है 102 जी जी जी, उसके लिए कुछ मतलब बहुत अच्छा मैथमेटिकल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन का कोई बताया था, बड़ा सराहना कर रहे थे। वो तो मैंने नहीं बताया लेकिन मुझे उनका ट्रेलर बहुत पसंद आया था, तो आई रियली लाइक द ट्रेलर एंड आई एम श्योर द फिल्म इज डूइंग वेरी वेल एंड आई होप टू सी द फिल्म सून माई सेल्फ। जी
अरे नहीं, आज हम लोग क्यू एस क्यूटी के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है ये रीयूनियन फिर से हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। एंड क्यू एस क्यू टी इज़ अ फिल्म आई एम प्राउड ऑफ एंड वी हैव सच फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द टाइम व्हेन वी वर रिकॉर्डिंग फॉर द फिल्म और दे आर एच इन माय मेमोरी फॉरएवर। आपका फेवरेट गाना सबसे रिक्वेस्ट है? मेरा फेवरेट गाना है अकेले हैं तो क्या गाना और क्यू। अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है अकेले। आई डोंट नो, एक्चुअली सारे गाने जो हैं दे आर अमेजिंग, ऑल द सॉन्ग्स, बट माय पर्सनल फेवरेट इज अकेले हैं तो क्या गम है। आई लव दैट पार्ट ऑफ दैट पीस, सो मे बी दैट्स व्हाई। ऑलराइट, एंड आज यहाँ पर आपकी गाए हुए गानों की दीवानगी देखकर कैसा है? लाइक ऑल द सॉन्ग्स दैट यू सांग, पीपल स्टिल लव इट एंड सिंग इट and I love to hum it even today and they are as young as you, so how do you feel? Bahut acha lagta hai, all the youngsters today, my daughter also, she loves that song and they hear it on loop again and again, and that shows that these songs are timeless. So just give them bite hi mero kaya hai and I'm famous again with the 30 years of celebration on thank you so much for your show or something. Whatever message you want to give to your fans of the song. Hi, I'm Alka Yagnik. QSQT has completed 30 years. आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसको इतना पसंद किया, इसके म्यूजिक को इतना पसंद किया, म्यूजिक भी एवरग्रीन है, फिल्म भी एवरग्रीन है। बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। एंड अभी तो 30 इयर्स हुए हैं, अभी और बहुत साल होने बाकी हैं QSQT को। सो आई लव द एंटायर यूनिट एंड आई लव दोज डेज व्हेन वी वर वर्किंग ऑन द फिल्म। Thank you so much, ma'am, and enjoy kijiye wahi film hearing yes, guys. Yes. Thank you for coming. So forgive me if I'm not taking a few names. Zafar sahab hai yahan par. Hi Zafar sahab. Manohar sahab, aapne sound recording ka is it was just even today ek ek shabd yaad hai. Thank you so much. Faizal Khan sahab hamare saath hain. Thank you so much. Really, I mean, forgive me if I'm not taking a double of names, but Alka ji unfortunately had to leave. But please, ladies and gentlemen, can I have the honors of all of you having a seat and let's talk Q and QSQT. Yes, thank you. I'm going to, You know, yes. I understand that everyone can't come on stage, but let's keep a mic for any of the cast and crew who might want to say something. Correct. You know, while we are talking. Thank you. Makran, tu kuch na kuch bolna hi hoga. Mic. Mic niche bhi rakho bhai. So I'm going to sit a little thoda sa aapse hatke. So sabse pehle to yahi sawal hoga ki there were these moments jahan par log ga rahe the, hans rahe the, har ek shabd logo ko yaad tha. Aur pehla sawal to yahi hoga ki is audience ke saath ye film dekhkar आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया मुझे यार। I really loved watching this film with all of you, with everyone who loves QSQT so much, like all of us. And it was a very wonderful and warm experience that we had today. Thank you so much. Yeah, see the difference was when we celebrated 25 years, it was in a small theater. You know, it was like a private screen, so we don't get this feeling. This, yeah, it was completely different. Yeah, that was only cast and crew. Today it's with the audience also. That's the difference. Mansoor, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जब ये फिल्म लिखी गई थी और जब आपने पेश की ऑडियंसेस को उस वक्त आपको लगा था कि इस फिल्म की तकदीर जो है वो इतनी बड़ी या इतनी लंबी होगी? ऐसा तो मैं कुछ सोच नहीं रहा था। I was just trying to save my own skin. I dropped out of college, I wasted a lot of my father's money, I gave him a lot of trouble, so I was writing Jodhita.
because that is a story about a useless guy. Now I couldn't write that, I was that useless. So this came along the way, and my dad says, you know, I'm writing something that obviously had armor in mind to launch. And he had said, you know, he knew in his heart that a good love story hadn't come for a long time. He had a great sense of the audience, you know, which I didn't have. So when he said, you know, I'm writing it, and I'm writing my stuff. So meri kahani to khatam hi nahi ho rahi thi, unki khatam ho gayi. So then he says, see, you haven't written it yet, so listen to this. I was forced. I said, arey, what is it about? He said, it's a love story. I said, Daddy, every film is a love story. That was my first reaction. And but when he narrated the first 11 scenes, you know, he had set it up so well. The prologue, which is dialogue by dialogue, and you know, I could literally see the scenes in front of my eyes. And it convinced me that this is a legitimate setup for a good love story. But obviously in my mind it was a tragic end. You know, you brought it up, so I think हमें इस बात पर इसी you know वक्त बात करनी चाहिए. बहुत ही unconventional choice था, क्योंकि कौन कमबख्त अपने कहते हैं ना कि बारिश को एक ऐसी फिल्म में लॉन्च करना चाहे जहाँ पर कहेंगे कि जो हीरो है वो मर जाता है. कौन कमबख्त वो हीरो था जिसने कहा कि मैं अपनी पहली फिल्म में खुद को खंजर मारूंगा, और कौन कमबख्त वो डायरेक्टर थे जिनको लगा था कि ये फिल्म चलेगी. सो बट यू आप अड़ गए थे, मुझे ये पता है, किताबों में मैंने पढ़ा है कि आप अड़ गए थे. आपने कहा ये एंड चेंज नहीं होगा. Well, actually, मेरे दिमाग में it was always like that, and my sister Nuzhat and Amir were involved with Daddy from the beginning. Yeah. So actually, that was his idea also. But somewhere along the line, I think he softened up and he felt that, especially because the first few schedules went well and he thought it was going really well, so maybe he felt safer if it was a happy ending. Correct. But I think originally, his vision was also Romeo and Juliet. Yes. So it's that is the premise of the film. Well, I want to remind you. Yeah. It's on? Okay. No, I want to remind you, Mansoor, that in the first schedule, we shot the climax. And he had written, Nasir Saab had told us to shoot a happy end also. Okay. So he had told us that you guys should shoot both ends. One happy and one sad, which is a tragic end. First schedule mein we were shooting the Ooty part, romantic jungle mein gum gaye, and this climax. So Mansoor and I and Nuzhat, all three of us were convinced of the tragic end. So we shot this with a lot of heart and gusto and you know the real feel. And then Mansoor said, now we have to shoot Daddy's version as well. And all of us were like, oh, okay. So I think half-heartedly we kind of... Yeah, no, see the proof of the pudding was already there. Because after we shot the tragic ending, so I said, abhi to karna hi hai, because every evening my father would call and he would not ask anything else. I used to say, happy ending, zarur shoot karna. So that was... Nizam? I want to add to that. I want to remind both of you all that actually the germ of this story started when my dad said it has to be a Romeo and Juliet where they die in the end. So that was his first idea. Yeah, wow. And in fact, until we got the prologue in line, there was no story, because he said it has to be a reason so strong that there is no possibility of the two families coming together. So that was the first thought in his mind. Yeah, exactly. And it was the prologue was written such that it set the premise of the film. लेकिन क्योंकि आप ये प्रोलोग की बात कर रहे हैं, उस वक्त मुझे याद है कि ये जो पहला टाइटल था, can anybody guess when QSQT was written, the working title क्या था? Except Divya Solgama and Akshay Manmani, और कोई भी ये जवाब दे सकते हैं. हाँ सर, जोर से बोलिए. Cast और crew आंसर नहीं कर सकते कैसे? नफरत के बारिश. And at this point, Nuzhat, I'm going to look at you, क्योंकि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है you had something to do with this. ये टाइटल पहले था, लेकिन इज दैट ट्रू? और जब ये फिल्म बन रही थी, जब नफरत के वारिस बन रही थी, एक और चीज बता दूं आपको, ऑफ कोर्स द टेंशन द ड्रामा जिसके आप कहते हैं, वो दो जो फादर फिगर्स हैं फिल्म में, धनराज और आज आई थिंक दिस इज अ मोमेंट वेयर ऑल ऑफ अस विल एक्नॉलेज गोगा कपूर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए.
I mean, the most darana fathers for this generation. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पहली ये फिल्म लिखी गई थी दो लेजेंड्स को इन दो लेजेंड्स के रोल में कास्ट किया गया था वो दो लोग कौन थे जी हाँ ऐसा ऐसा हमने सुना था आज हम क्लैरिफाई करेंगे ठीक है नेवर ओके ऐसी बात हुई थी दैट देयर वाज अ वर्जन एंड देन ऑफ कोर्स दिस वर्जन वाज रिटन लेकिन अगर वो फिल्म उस वक्त बनती या फिर आज भी बनती व्हाट आई फाउंड वाज द कंटेंपरेरीनेस ऑफ दिस फिल्म बिकॉज बहुत सारे मोमेंट्स थे जहां पर आज भी लोग हंस रहे हैं ताली बजा रहे हैं एंड आई जस्ट फेल्ट कि ये रोमांस आज भी हो सकता है बट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्फ्लुएंसेस इज द फैक्ट दैट देयर वाज यू नो द ओल्डर जनरेशन द मोर एक्सपीरियंस्ड जनरेशन एंड दिस न्यू ब्लड तो आपको लगता है कि दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई द फिल्म हैज टर्नड आउट द वे इट इज वेल एक्चुअली इट वाज I think it was a perfect compromise between my father's experience and his style of writing, his humor, you know, his situational understanding, and the little different thing which I was trying to bring in, which was to remove the cliche, you know. So we used to fight a lot. I mean, for there were days when we didn't speak to each other, and Amir and Nusrat would be most worried because unko lagta tha gaadi ruk gayi hai and it won't go ahead. But obviously, the ball was actually in my court because I didn't know how the hell to explain to him what was it that I wanted to do. Correct. So whereas he knew very well what he has done through his whole career and he knows his strong points and all that, but he just wanted to understand ki acha tum kaise likhoge aise. You know what I mean? He would throw the ball in my court, and sometimes I was not able to. I would say it in words. Jim. So it was a perfect. Matlab, if you look at the film, about 50% is exactly his scenes. You know. Yes. And there are roughly half of it which I brought in my sensibility or whatever. Jim. Jim. I think we must at this point talk about the music. मैं जानना चाहूँगी आनंद जी मिलन जी आपसे कि जब ये फिल्म आप तक आई थी तो आपको पहला brief याद है क्योंकि actually conventionally उस वक्त बहुत गाने हुआ करते थे एल्बम्स में दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द टाइटेस्ट एल्बम्स बिकॉज़ देयर इज अबाउट कितने पांच गाने थे चार एग्जैक्टली तो आपको याद है कि क्या बोला गया था आपसे आई थिंक मंसूर वाज वेरी क्लियर ही डिडंट वांट एनी एक्स्ट्रा सॉन्ग्स इन ऑन दैट और ये जब नासिर अंकल से जब हम लोग की मीटिंग हुई थी उसके पहले वी हैड मेनी इनफॉर्मल सिटिंग्स जिसको बोलते हैं विद मंसूर जी उसकी जो लाल गाड़ी जो फिल्म में भी है मारुति वैन तो हम लोग की म्यूजिक सेटिंग उसी में होती थी तो ही इज टू जस्ट कीप ड्राइविंग डाउन एनीवे कटर रोड ड्राइव डाउन कटर रोड बैंड्स एंड प्ले द कैसेट ऑफ रफ वर्जंस ऑफ द सॉन्ग सिंगिंग समथिंग देन ही टू से हां ये अच्छा लग रहा है लेट्स कीप दिस सिंगिंग द ऑब्लिगेटोस अरेंजमेंट्स उनका फेवरेट गाना है इसमें से याद है आपको नहीं फेवरेट गाना तो नहीं याद है मगर एक गाना I've mentioned this many times. Yeah. I don't know whether Mansoor is also aware of this incident. It's a very funny incident. ये जो गाना था ए मेरे हमसफर तो that time Mansoor had gone to Mandwa. That was his hideout. He used to go there very often. एक दिन सुबह सुबह नासिर साहब का फोन है at around 8:15 in the morning. He was taking car and their house was just a few meters away. तो ही टोल्ड मी कि बेटा वो गाना जो है हम लोग को अभी शूट करना है तो कुछ सोचा है आपने तो आई थॉट कि मंसूर इज़ नॉट हियर पर एक दो कुछ ऐसी रफ आइडियाज़ थे बोले कि जब वो आएगा तो फिर कर लेंगे तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में झूठ बोला ऐसे अंकल हाँ सोचा है कैसा है ऐसे बहुत अच्छा है एंड यू नो द फैक्ट इज़ बिलीव मी वी वर ब्लैंक नाउ व्हाट नासिर साहब सेज He said he told me that मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ तो तुम्हारे म्यूजिक रूम में होते हुए जाता हूँ सो आई सेड कितने बजे तक सर बस 15-20 मिनट आई डिडंट नो व्हाट टू डू आई सेड यार ये मैं पहली बार झूठ बोला और ये तो फंस गया मैं और वो भी मंसूर ने नासिर अंकल को कैसे टैकल करूँ आई वेंट इन द म्यूजिक रूम आई नीड द सिचुएशन एंड ऑल दैट जस्ट क्लोज माय आईज इन फर्स्ट इंस्टेंट कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सो गिटार लेके बैठा सेकेंड हाफ क्या करूँ तर ठीक है तर
जैसे ट्यून आई दिमाग में, ही जस्ट पुट इट ऑन द कैसेट, डोरबेल एंड नासिर अंकल का. ओहो, यू नो उदित जी से मैं, क्योंकि ये मोमेंट है, उनसे ये दो लाइन गवाइएगा प्लीज. या श्योर, प्लीज उदित जी, प्लीज. नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब. First of all, I want to congratulate entire team of QSQT for completing 30 years. And whatever I am today, it's because of QSQT. मैं एक जन्म नहीं सात जन्म तक भी अगर होता है तो मैं नासिर साहब, मंसूर भाई, आमिर भाई, आनंद मिलन जी, जूही चावला जी, जितने भी कयामत से कयामत तक से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं, अहमद ताहिल साहब से लेके सब, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं, मुझे ये मौका मिला. और कयामत से कयामत तक के बारे में जितना भी कहा जाए कम है. हिस्ट्री क्या बोलते हैं, कभी रिपीट नहीं होती. कयामत से कयामत इज लाइक ए हिस्टोरिकल फिल्म और ये हमेशा लोगों के दिलों में म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म में लोग याद करेंगे. थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच. ये देखो, एक शर्त पे गाऊंगा. आजकल आमिर साहब अपनी फिल्म में मुझे गवाते नहीं है. मेरी ये जरूरत, मेरा स्टार्ट हुआ है उदित जी के साथ, तो ना मैं पहले कंट्रोल कर सकता था अपने डायरेक्टरों को और ना आज मैं कंट्रोल कर सकता हूं विक्टर जी. अब मैं जुच्ची साहब आपसे एक सवाल करना चाहूंगी. जरूर जरूर करिए. आपके साथ बैठकर फिल्म में देख रही थी एंड यू आर द मोस्ट अपसेट ड्यूरिंग दैट फिल्म, इन द फिल्म, थ्रू आउट द फिल्म. या लाइक आप इन्हें बचाना चाहते थे लेकिन क्या करें. आई प्लेड आमिर सुपर ईगो. जी व्हेनेवर ही स्ट्रेस आई एम देयर टू होल्ड हिज हैंड एंड से भाई देखो ये नहीं करना चाहिए, ये लड़की ठीक है, ये तुम ठीक नहीं. सो आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग दैट. यस, मुझे बताइए नासिर साहब ने पहली बार आपको मिलकर कौन सी शर्त रखी थी. बड़ा अच्छा सवाल पूछा. लेडीज जेंटलमैन, जब मैं पहली दफा पहुंचा नासिर हुसैन फिल्म्स, आई वाज शूटिंग इन लखनऊ विद सुधीर मिश्रा एंड आई गॉट अ कॉल सेइंग कि भाई बंबई से एक कॉल आया. तो आई सेड वेरी गुड, किसका कॉल था. कि मेरे का नंबर लिया आपने. हाँ साहब नंबर लिया है, एक मंसूर साहब को ही है. अरे मेरे का मंसूर साहब, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाइए दीजिए मुझे. एंड आई कॉल्ड बैक ऑन दैट नंबर, इट वॉज अ रेसिडेंस नंबर, आई थिंक मंसूर घर का नंबर, जहाँ पे नुसरत जी ने फ़ोन उठाया. और ये वो, मैंने कहा जी मैं, मेरा नाम राजुच्छी है, मैं मंसूर साहब से बात करना चाहता हूँ. मंसूर साहब इधर उधर हैं, कहिए. मैंने कहा मैं, मुझे मैसेज आया था कि भाई नासिर हुसैन फिल्म्स आई है. मैं आमिर से परिचित था उससे पहले, वी काइंड ऑफ वर्क टुगेदर ऑन अ फिल्म कॉल्ड होली. तो खैर नुसरत से बात हुई, शी सेड यू कम टू द ऑफिस टुमारो एंड आई लैंडेड अप वेरी नर्वस, वन ऑफ माय बिग फिल्म्स, वेरी अर्ली इन द डे. I was a young kola bachcha, and except that I had a very Aamir Khan type huge muchi, Aamir is of today, and I had a daliwali yesab, and I went in Nasab's hallowed presence. I loved his room. He got up, said hello. Kune mein Nusrat ji baithi hui thi, mujhe yaad hai. Mansoor saab the, Aamir saab the. Aamir I knew, so we hugged and I sat down. Nasab saab ne kuch bade jaldi jaldi se kuch mujhe kahani sunai. कि भाई ये है ये है ये है. एंड आई सेड यस सर थैंक यू सो मच ये वो. एंड देन सडनली आई फाउंड हिम लुकिंग वेरी हार्ड, स्टेयरिंग एट मी लाइक रियली स्टेयरिंग. तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ, आई डोंट नो वेयर टू लुक. एंड ये बात कह रही थी आपसे, आप बुरा ना माने. मैंने कहा जी कहिए. इस वक्त आप
तजुर्बेकार जिसको कहा जाता है, एंड ही सेड भाई आप आमिर के हम उमर टाइप बने हैं तो ये तो यंग लग रहे हैं, तो आप ये दाढ़ी वाढ़ी ये सब मतलब निकाल दें तो बेहतर है. तो मैंने कहा सर मैं कल ही आता हूँ, ओनली थिंग इज व्हेन आई टेक इट ऑफ आई लुक लाइक अ लिटिल चूजा इफ दैट्स ओके विद यू. सो हियर आई वाज लुकिंग लाइक अ चूजा इन द फिल्म एंड लविंग इट. सो दैट वाज कयामत से कयामत तक की शुरुआत, नहायत हिस्टोरिक. थैंक यू सो मच फिलिपायन साहब. एक सीन है जो आज तक लोग यू नो थिएटर में भी जब सुनते हैं तो वो कांप उठते हैं, और वो है मैं आज भी वही धनराज हूँ. 14 साल बाद आपने फिल्म में कहा था मैं कहूँगी 30 साल बाद भी ये वही धनराज है कि नहीं. लेकिन वो लाइन वो सीन इसके पीछे कुछ तो एक मैजिक है. व्हाई डू यू थिंक आज तक ये इतना पावरफुल है? पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप सब आए यहाँ पर आज शाम को, और मेरे जितने भी कास्ट और डायरेक्टर हैं और बाकी भी जो यूनिट के लोग हैं मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ. और हमें बहुत खुशी हुई है कि ये फिल्म आप देखने आए और सपोर्ट किया आप लोगों ने. ऑल्सो बिग थैंक यू टू Radio Nasha for hosting this absolutely amazing event. मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये पिक्चर भी 30 साल बाद वही पिक्चर है जो 30 साल पहले हुआ करती थी. तो अभी उसमें से मेरा जो डायलॉग है वो तो डायरेक्टर के नासिर साहब ने वो लाइन्स लिखे, और उस समय तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये डायलॉग इतना पॉपुलर हो जाएगा. और मेरे भी एक्सपीरियंस कुछ जुलसी की जैसे थी, मुझे भी मैं बुनियाद कर रहा था उस समय, और मुझे याद है कि मुझे फ़ोन कॉल आया नासिर साहब के दफ्तर से, किसी ने कहा कि नासिर साहब आपको बुला रहे हैं. तो उस ज़माने में तो वही होता था कि भैया मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैंने कुछ गलती तो नहीं की. फिर मैंने सोचा कि भैया मैं तो नासिर साहब को जानता ही नहीं हूँ, तो मुझे मैंने क्या गलती की होगी. खैर उनका दफ्तर होता था महबूब स्टूडियो के ठीक सामने, तो मैं उनके दफ्तर आया, और जैसे मैं दफ्तर के अंदर आया तो 3 बच्चे जैसे बैठे हुए थे साइड पे. एक मंसूर साहब थे, और एक गोरा गोरा सा लड़का था जो रेड लवली चीक्स उनका गोरा जो यूँ बैठा हुआ था वहाँ था, और उनके बगल में नुसरत बैठी थी. तो नासिर साहब ने मुझे बहुत मतलब उनने कहानी सुनाना शुरू की. उन्होंने जब वो प्रोलॉग के पॉइंट पे आए जब मैं उसको गोली मारता हूँ, तो मैंने कहा नासिर साहब हो गया, मैं ये रोल करने वाला हूँ आप. मैंने सोचा कि आगे जाके माइंड चेंज इज माइंड. तो आई सेड नो सर आई विल डू दिस रोल, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. तो मैंने उनसे ये पूछा उस समय, मैंने कहा कि सर इस फिल्म के हीरो कौन है? तो उन्होंने कहा वो बैठे वो फिल्म के हीरो है. और आमिर जैसे उस स्कूल में करते थे ना, टीचर पूछते हम कहते हैं प्रेजेंट मैम, इसका हाथ उठाया था. फिर उसको हमने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्कूल में फौरन हाथ नीचे रख दिया. और मंसूर यूँ ही बैठे हुए थे जैसे आज है, उन्होंने बस यंगर उनकी पूछ भी काली थी, लेकिन ऐसे ही बैठे थे कि मुझे लग रहा जैसे उनके ये प्रश्न पूछ रहे थे कि ये मैं पिक्चर कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर है उस पिक्चर का कि नहीं हूँ मुझे मालूम नहीं. इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. और बाद में मैंने जब नासिर साहब जब ये पिक्चर हम शूटिंग कर रहे थे, तो एक सवाल मैं नासिर साहब से बहुत पहले से पूछना चाह रहा था, वो मैंने हिम्मत उठा के पूछी. मैंने कहा नासिर साहब इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इतना बढ़िया रोल है, इतना पावरफुल रोल है, आपने मेरे बारे में कैसे सोचा? तुमने कहा गरीब मैंने तुम्हें बुनियाद में देखा था, और मैंने कई कैरेक्टर आर्टिस्ट को ये रोल ऑफर किया, कई नहीं मतलब 2-3 कैरेक्टर आर्टिस्ट को ये रोल ऑफर किया है, लेकिन सबने इनकार किया. और इसलिए इनकार किया कि वो बाप नहीं बनना चाहते थे. और मैं तो ये कहूँगा कि मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, और मेरा ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने हाँ बोल दिया और बाप बन गया जो भी था. लेकिन इस रोल ने मेरे करियर पे बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, परिवर्तन आया. और आप सबकी दुआ और प्यार से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है. और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्टार कास्ट का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद.
डायलॉग तो बोलना पड़ेगा। रणधीर सिंह, तुमने मेरे बेटे की तस्वीर अखबार में तो छपवा ली है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे राज पे कोई आंच आए तो मैं वही धनराज हूं जो 14 साल पहले हुआ था। आमिर, I remember जब ये फिल्म शुरू होने जा रही थी, आपने कहा there are many moments that you cringe when you watch this film. Yeah, yeah. एक ऐसा मोमेंट जहां पर आज भी आपने क्रिंज किया? ब्रिजी, आपको मैं माइक अभी भेज रहा हूँ। सही आंसर है। एक्चुअली जब मैं अपना काम देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि इससे बहुत बेहतर हो सकता था, और ख़ास तौर से ये फिल्म जब मैंने देखी तो आई लव जूहीज वर्क। आई थॉट जूही वाज फैंटास्टिक, यू नो, शी वाज रियली बैंग ऑन, वेरी नेचुरल। आई वाज वेरी रॉ, यू नो, सम सीन्स आई डिड ओके, सम आई डिड डू वेल, सम आई फंबल्ड थ्रू। बहुत मुझे अपना काम अच्छा नहीं लगता, और मैं कन्विंस था कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो जूही को लोग बहुत पसंद करेंगे, और दलीप गोगा, ये तरह के रियली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, बट मेरा काम इतना पसंद नहीं आएगा लोगों को, एंड फेयरली, आई मीन राइटली सो, बिकॉज आई ऑल्सो डिडंट लाइक माई वर्क, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल लाइक माई वर्क, हैव नो आइडिया। नो नो, आई एम सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग। यू रिमेंबर लूजर, वी शुड डिस्कस दिस, रुचि, आई वॉज वेरी अनहैप्पी विद माई वर्क, आई एम स्टिल अनहैप्पी विद माई वर्क। रीशूट कर सकते हैं तो करते हैं भैया। तो किस्मत अच्छी थी शायद मेरी। नो, दिस इज अ फैमिली ट्रेट, तो आई ऑल्सो फील दैट वे। इनफैक्ट जब पहला ट्रायल हुआ, वी डिड दिस आउटडोर, यू नो, एंड इन दोज डेज, मतलब हम लोग गए, हम लोगों ने एक रोमांटिक सीन, एक जंगल में घूमे, ये वो, एंड द क्लाइमैक्स, जस्ट इमेजिन, वी हैव ऑलरेडी कम बैक नाउ, इट्स द फेट इज ऑलरेडी सील्ड। तो जो पहला ट्रायल हुआ, तो डैडी वॉज देयर, एंड ऑफकोर्स ही वॉज मोस्ट एंग्शियस, ही नेवर केम ऑन द सेट, यू नो, ही हैड फुल, मतलब ही गेव मी फुल, ऑल ऑफ अस फुल रेन। So we watched the thing and I was cringing throughout the trial, partly out of inexperience also, because I didn't realize that it can be corrected. And when we walked out, I was constantly saying, "Arey, ye galat hai, isko reshoot karna hai, ye to bahut bappas hai, isko ye karna padega." I could see my dad walking with such a confident step. He was just not listening to me, you know. He was just, "Main piche bhag raha hu, bolo, ye karna padega, wo karna padega." So yeah, that's how it is. I think we learned not to be too critical also, because there are certain things that you just won't get what you had in your head. Yeah. Kya baat. You know, I must mention ke for 88, there are a few lines, Juhi ji ke, because we're speaking about her. Jahan par aaj taaliyan aur seetiyan baje, because aaj 30 saal baad context alag hai. But there were some beautifully, if I may say, feminist moments in this film. Jahan par Juhi ji kehti hai ke koi aur decide nahi karega. And I think my team, it is a bunch of crazy women, you know, at Radio Nasha. And I think we hooted and we clapped the most. And thank you for giving us a liberated girl in the movies. That was my dad. My dad had written the character. She talks hum, she's open, she's clean, she's, you know, she's bold. Everything was very, matlab usko kuch chupane ki zarurat nahi. She doesn't even, two, three other friends are there and all that, and she comes up. So, yes, the beautiful innocence, and that was there in the writing, in his conception, in her lines, everything. And when I heard the thing, he asked me, ke Aamir to hai, making the film for him, but who's going to be the girl? And I immediately said Juhi Chawla, because I had met her before. And she just struck the right chord in my head. You know, I had not worked with her, yeah, but I just felt, and she surpassed that in the film. Today I was watching it even more closely, and I was watching her nuances more closely, and I really felt, my God, you know, for a model, and yeah, you know, somebody from the Western world, and she was a model, but she did very well. Yes, absolutely. This is the first time you told me that in 30 years. Okay, first time in 30 years. Let's ask you, Amir. Brij ko kuch bolna. Haan, ye mic hai. Brij ji, aapko mic ki kab se zarurat pad gayi?